वेलकम बैक टू माई चैनल मम्पी डॉट राहुल। तो आज हम लोग छत पे आए हैं शूट करने के लिए, बहुत सारा शॉट शूट करेंगे। तो आज ब्लॉग नहीं बनाया हम लोगों ने क्योंकि सुबह से बहुत काम था। शेखर भी आया है और आज थोड़ा मायरा के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने, हम लोगों ने किया है, उसके साथ खेला है बहुत सारा, क्योंकि हर टाइम ब्लॉगिंग करना आपको दिखाना वो बोर भी हो जाओगे आप लोग। तो आज हम लोग सोचे कि आज आप लोगों के साथ कुछ बातें करेंगे क्योंकि अभी टाइम है, सूरज भगवान है, अभी ढलने में टाइम है। तो शॉर्ट्स बनाएंगे, उससे पहले आप लोगों के साथ बकबक करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। तो पहले ये बताओ, मम्पी का लुक कैसा लग रहा है? कमेंट में बताओ। कार्टून जैसा लग रहा है ना, आप लोग कमेंट में बताओ। क्या बात है यार, मैं तारीफ कर रहा हूँ, मेरी वाइफ है, बट फिर भी इसको यकीन नहीं होता। जब अच्छी लगती है तो मैं तारीफ करता हूँ, अगर मैं तारीफ नहीं करता हूँ तो कहती है कि तारीफ ही नहीं करता। तो खैर, बकबक नहीं करके मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि आप लोग यूट्यूब से कितना अर्निंग करते हो और कैसे करते हो, कैसे यूट्यूब स्टार्ट किया जाए। तो ये हमारा बेसिकली टेक चैनल नहीं है, ना ही हम लोग आपको बताएंगे शुरू से कि ऐसे ऐसे एडसेंस करना है, वैसे करना है। तो हम लोग बस, हम लोगों की जर्नी पहले भी शेयर किया था, अभी शॉर्ट में शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कैसे पैसे मिलने स्टार्ट किए थे, फर्स्ट अर्निंग कितना था यूट्यूब से। हाँ, वो मैं शेयर करूँगा और कितना आता है वो एक स्लैब बताऊँगा, उसमें आप जज कर लेना क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं आप लोग। आप लोग भी पता, आप लोग से भी मैं पूछता हूँ तो आप लोग कोई बताते नहीं हो। तो हम लोगों का शुरुआत वीगो से हुआ, आप सबको पता है। वीगो के बाद थोड़ा सा मतलब फेस नोन हुआ, फिर हम लोग आए वीमैट पे भी फेस नोन हुआ, फिर टिकटॉक पे आए, टिकटॉक पे भी बहुत जल्दी हमारे जो भी मम्पी है, आर्यन है, तभी शेखर नहीं था, आर्यन था, तो बहुत बेचारा कैमरा पकड़ पकड़ के बहुत मेहनत करता था, बहुत मज़ा आया। वो हमेशा डांट खाता मेरे से, बट इस वीडियो में उसकी मैंने तारीफ कर दिया, खुश हो जाना, ठीक है, कैमरे के पीछे वही है। तो बस यहाँ से शुरुआत हुआ और फिर आया इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं था मैं, बिल्कुल भी नहीं था, अकाउंट ऐसे ही पड़ा हुआ था। हम लोग का जो फॉलोअर्स था वो था 100, एक्टिव ही नहीं था मैं। उसके बाद फिर सारे बैन हो गए, निराश हो गया, और यहाँ से हमारी मोटिवेशन स्टार्ट होती है। मेनली ये वीडियोस थोड़े बहुत मोटिवेट करेंगे। हमने टिकटॉक का जर्नी आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसी का नाम यहाँ पे लेना चाहते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे थे टिकटॉक वाले यूट्यूब, ठीक है। पहले उससे पहले आप लोग, मैं इस वीडियो को स्टार्ट, मम्पी जब स्टार्ट करी उससे पहले मैं बताऊंगा, जो बहुत हाउस वाइफ है क्योंकि मम्पी का व्लॉग हम ऑलमोस्ट लोग देखती है भाई, और कपल भी देखते हैं, बहुत यंग कपल। तो हमारा जो जर्नी रहा मैं वो थोड़ा सा बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलेगा इससे कि, और जो लोग सोच रहे हो बहुत, अरे हम इन लोग को तो सब जानता है इसलिए सपोर्ट करता है, हम नहीं बनाए, हम लोग बताना चाहते हैं कि करो, आज नहीं कल नहीं एक साल नहीं लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगा अगर आप लोग मेहनत करते हो ना। बिल्कुल, मम्पी ने बोला तो बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा मोटिवेशन, हम यूट्यूब का जर्नी हम लोगों को बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निराश हो गए थे, सुनते थे, हम लोग निराश हो गए थे टिकटॉक बैन होने के बाद, हम लोग बहुत निराश हो गए थे, और मम्पी मेरे को बहुत डांटी कि आपको मैं बोल रही थी कि आप यूट्यूब स्टार्ट करो, बट आप बस शॉर्ट प्लेटफॉर्म के चक्कर में, थोड़े पैसे के चक्कर में नहीं कर रहे थे, नहीं देख रहे थे। उसके बाद ना हम सबका व्लॉगिंग देखते थे, सबका देखते थे, मतलब तब हम, मेरा मन में एक जगह कि करते हैं व्लॉगिंग, तब किसी से मतलब मिला सुनने को कि व्लॉगिंग से भी पैसा मिलता है, तो हम लोग ठीक है तब स्टार्ट करते हैं। हमें भी नहीं पता था जब हम स्टार्ट किए थे, हमने भी कुछ सीख के नहीं रखा था। हम बता रहे हैं, बाबू हमको डांटते थे कि मत करो, बेकार टाइम वेस्ट मत करो, शॉर्ट वीडियो ठीक था, उतना टाइम भी नहीं लगता था, लेकिन ये सब एडिट तुमको आता है, तुमको नहीं आता है, तुम कर नहीं पाओगे, तो बाबू हमको डिटली मना करता था ना, और हम जीत छान लिए कि नहीं होगा, और हमको ना पूरा ऑड लगता था, मतलब देखो हम शॉर्ट वीडियो करते थे तो आदत था, लेकिन हेलो गाइस ऐसा ही आदत हमको नहीं था, तो हम बोले नहीं करेंगे, तो बोले कि तुम सब पब्लिक के सामने कर सकोगे, तो हम बोले पहले तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आदत हो जाने के बाद अच्छा लगता है, तो बोले कि ठीक है करते हैं, एडिट करना नहीं आता, तब राखी नाम की एक बंदी है, हाँ वो हमारी वीगो फ्रेंड थी, और उसने एक्चुअली मैं आपसे पहले उसका यूट्यूब चैनल था, उसको फोन करके हम पूछे कि तुम यूट्यूब वीडियो एडिट कैसे करते हो, तो राखी ने बहुत सपोर्ट करा है इसमें, राखी का चैनल पे मेंशन करता हूं, ये हक बनता है उसका। कभी भी हम ऐसे मेंशन नहीं किए लेकिन आज हम कर रहे हैं,
मेंशन कर दूंगा उसको। राखी से अभी तो बात भी होता, लेकिन वो हेल्प की पूरा स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग कर करके कि दीदी ऐसे एडिट करता है ऐसे एडिट करता है, उसका हेल्प से हम एडिट करने सीखे। उसके बाद वही हमको यूटी स्टूडियो के बारे में बताया, वाइटी स्टूडियो है, और उसके बाद हम सब सीखे। सीखने के बाद बाबू को समझा क्योंकि हमको उतना सही मैं बहुत लेट समझते नहीं, मैं एक महीने मुझे बकवास लग रहा था, हमको डांट रहे थे कि मैं जॉब कर रहा हूं, मैं टेंशन बंद हुआ तो हुआ मैं घर रहे हूं पैसे की कमी के तो ना पापा का बिजनेस संभाल लूंगा जो हम इनको पूरा एकदम समझा रहे थे। फिर हम इनको यूटी स्टूडियो आईटी स्टूडियो की पता है, हमारे पापा का बिजनेस ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी वाड़ी का है वही संभालता, तो इनको हम वही समझाए तो ये आपको बोले ठीक है हम तुम्हारे पास से एक बार करते हैं। उसके बाद गूगल एडसेंस आया तो ओके सब कुछ बाबू हैंडल की नहीं हमसे नहीं होता उतना कुछ नहीं, मैं अब बता दियो मुझे अच्छे से। और एक चीज हाँ अच्छे से बताइएगा, उसके बाद जब पेमेंट आने लगा उसके बाद हम दोनों पहले तो मेरा काम करने बहुत का आगे था, जा रही हो हम तो शॉर्ट से बोलेंगे आप बताएंगे समझा के ठीक है। तो उसके बाद जब आने लगा ना पेमेंट तब बाबू बोला कि अच्छा ठीक है, तब बाबू को भी इंटरेस्ट लगा उस चीज में, तब दोनों मिलके करने। अब बताओ आप बताओ अभी तक जितना इसने कहा आई थिंक आप लोग के दिमाग के ऊपर था, मुझे भी समझा जब हमारा ये बंद हुआ टिकटॉक बंद हुआ वी मेट स्नैक वीडियो बंद हुआ और हम लोग बहुत निराश हो गए थे यार अब क्या। फिर लाइक ही आया तो हमने जितने भी प्लेटफॉर्म आए सब पे काम किया पाँच टकाटक छोड़ के। तो अब मम्पी ने कहा मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, मैंने कहा ठीक है। तो ये स्टार्ट की मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था यूट्यूब पे नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था कि इसमें पैसे मिलेंगे, इसको ट्रस्ट था कि ये कर सकती है। मैं बार बार बता रहा हूँ मोटिवेशन यहीं से स्टार्ट होता है, हम हिम्मत नहीं छोड़े हमको लेकिन बहुत टाइम लगा उसमें इसको लाइक ट्रस्ट था कि ये कर पाएगी। उसके बाद फिर ये की फिर राखी से बात करते 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 एक महीना एडिट की, मैं देख रहा हूँ कि जब ये अकेले कर रही है तो अच्छा 20K 30K सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं, मेहनत कर रही है, एडिट भी नॉर्मल ऐसे छोड़ दे रही है ना, लेकिन एडिट हम करते थे लेकिन नॉर्मल से एडिट करते। ये यूट्यूब का जो भी एडिट है इसने मेरे को सिखाया, इसने ही सिखाया मेरे को नहीं आता था कि आप इन शॉर्ट से कैसे एडिट कर सकते हो। तो हमारा लाइक ऐसा सीन था, तो मैं सोचा कि अगर मम्पी इतना कर पाई है तो अगर मैं पहले शॉर्ट में हम दोनों साथ करते थे अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दे दूँ तो आई थिंक हम लोग आगे जा सकते छोड़ के सही में हम एकदम कंप्लीट नहीं तो है। हमने जैसे ही 1 लाख मतलब मेहनत किया 1 लाख किया तो आई थिंक हमारे जब हमारे बहुत तेज़ी से बढ़े 50K के बाद बहुत जल्दी ही सब्सक्राइबर गेन हुए थे और तभी मेरा गूगल एडसेंस भी आया था। और मेरा पहला पेमेंट था, मैं आज रिवील कर रहा हूँ, मेरा पहला पेमेंट था 17,500 समथिंग, उतना एग्जैक्ट याद नहीं है बट 17,000 था, वो मेरा यूट्यूब का पहला था। तो मुझे भरोसा हुआ क्योंकि मैं डर गया था यार अभी टाइम वेस्ट करके भी टाइम वेस्ट गूगल एडसेंस कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। बाकी अगर आप लोग जो स्टार्ट करने वाले वो यूट्यूब में जाके देख लेना गूगल एडसेंस कैसे करते हैं, हमारा काम है आप लोग को मोटिवेट करना यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग बस करना, आप हाउसवाइफ हो यार मेरे से नहीं होगा, मैं भी सोचता था मम्पी से नहीं होगा बट इसने ही स्टार्ट किया। तो अगर आप लोग कुछ लोग इंटरेस्टेड हो, मैं सबको नहीं बोल रहा, जो लोग इंटरेस्टेड हो, बाबू उनको सपोर्ट नहीं करता आज इस मुकाम में हम सच में नहीं आते, हम दोनों नहीं आते, हमको थोड़ा सा समझने में लगा फिर बाबू को हम समझे बाबू प्लीज एक बार हमको ट्रस्ट करो, फिर हमको भी खुद पर ट्रस्ट होता, फिर दोनों करते करते आज हम लोग आप लोगों का प्यार से इधर है। तो हाँ, तो लाइक अगर आप लोगों को लगता है कि हम यूट्यूब खोल सकते हैं जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं तो ये एक राइट मोमेंट है, आप अभी से खोलो और आप धीरे धीरे वीडियोस बनाओ शॉर्ट्स बनाओ, अभी तो शॉर्ट्स से और वायरल होते हैं, आपको सब्सक्राइबर गेन करना है तो आप अच्छी अच्छी शॉर्ट्स बनाओ। यूट्यूब पर ये नहीं देखा जाता कि आप पहले से फेमस हो, अगर आपके एक वीडियोज भी चले गए कुछ कंटेंट आया समझ लो आपके सब्सक्राइबर, मेरा भी आप लोगों को लगता है कि इन लोगों का फेस वैल्यू है इसलिए चल गया, मेरा भी बहुत टाइम लगा यूट्यूब में ना तो उसके बाद वायरल होने के बाद धीरे धीरे बहुत तेजी से वायरल बहुत तेजी से हुआ। तो हमारा जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 लाख हुआ, 17,000 अर्निंग स्टार्ट हुआ, दूसरे महीने मैंने 50,000 उठाए, डबल मेहनत किया 50,000, तीसरे महीने 1.5 लाख। तो अब इतना मैंने अपना स्लैब बताया मेरी इनकम, तो आप ये हमारी जब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुआ था ये तीसरे मंथ की मैंने बताया, अब आप लोग सोच लो कि मेरी इनकम क्या होगी क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो इतना जान लो कि इतना है कि आप घूम सकते हो, किसी को घुमा सकते हो, मतलब एक जिंदगी लाइफस्टाइल जी सकते हो, ठीक है। तो इतना इनकम आ जाता है हमारा, टू बी फ्रैंक टू बी वेरी ऑनेस्ट
कम नहीं आता, अच्छे खासे आते हैं बस आप लोग के कारण। तो आप लोग भी यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग भी अगर आपको लगता है कि कैसे स्टार्ट करना है तो मम्मी के ब्लॉग देखो, और भी जो लोग आपके पसंदीदा ब्लॉगर हैं उनके ब्लॉग देखो और वहां से कुछ कुछ वीडियोस उठाओ कि मुझे ऐसे कॉपी करके करना है, ऐसे करना है। बस सिर्फ इंसान इंसान को देखकर सीखता ही है ही नहीं कि तुम हमको क्यों कॉपी क्यों, ऐसा नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, मम्मी ऐसे ब्लॉगिंग देखती है ना आसाम, जिनके 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं, हम सबका व्लॉगिंग देखते हैं। आप लोगों को लगता हुआ इन लोगों का सबका व्लॉगिंग देखती है, जब रात में सोने आते हैं ना हम सबका 2 घंटे से व्लॉगिंग देखती है। तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। और अगर जिनसे हमारी बात होती है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम मेरा आईडी है mumpy.rahul, तो आप और mumpy.rr भी है, तो अगर आप लोग वहाँ पे मैसेज करते हो, जिनका मैसेज हम लोग देखते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग भी सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने करा है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाला है। और हम लोग का यूट्यूब जर्नी आप लोगों को पता है, और जो लोग हाउस वाइफ है अभी सोच रहे हो आप लोग की करना चाहिए कैसे होगा नहीं होगा, आप लोग दिमाग में रखो ही नहीं, अरे थोड़ा सा तो टाइम मिलता है ना आप लोगों को फ़ोन चलाने का, वही टाइम में आप लोग व्लॉग छोड़ो, एडिट करो, व्लॉगिंग छोड़ो, उसके बाद धीरे धीरे हम ये नहीं बोल रहे। आज इस व्लॉग पे ज़्यादा नहीं, एक एक चीज़ अब टू बी पॉइंट बताने वाला हूँ। तुम चुप रहना, तुम बोलती हो तो रुकती नहीं हो यार। तो मैंने आपको बताया मेरी इनकम जो है वो स्लैब मैंने बता दिया 1-2 और मे बी डिफर करता है कभी कभी, जब आप लोग जितना प्यार देते हो उतना, तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएंगे बट अच्छी खासी इनकम हो जाती है आप लोग के लिए, आप लोग के कारण इतना सपोर्ट करते हो। और दूसरी कि मेरा घर, मेरा होम टूर भी करवाया था आपको, तो पापा ने ऑलरेडी ये कम्प्लीट करके रखा था और मैंने सिर्फ थोड़ा सा ये 3rd फ्लोर किया और थोड़ा सा घर को मॉडिफाई किया, तो मैंने ये किया अपने लिए। फिर मैं कोलकाता में फ्लैट भी लिया। तो आप यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर मैंने अपने भाई का भी चैनल खोला है शेखर फिटनेस सीरीज का, जो लोग नहीं जानते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लेना। आर्यन का भी मैंने खोला है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना देख लेना। तो वो लोग भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन आप देखोगे वो हमारे साथ वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो खुद का बनाते हैं। और हम लोग आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों को मन है कि नहीं हम लोग भी करें तो जरूर कीजिए, जरूर। क्यों क्यों पता है, क्योंकि ठीक है सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट जरूरी होता है, लेकिन अगर आप अपने से करोगे ना तो लोग आपको जो आप हो वही पसंद करेंगे। हाँ, आपको तो, दूसरे के सपोर्ट से नहीं पसंद करेगा, आपको आपको ही इंसान पसंद करेगा। यस, और ये नहीं कि उसका भाई है इसलिए इसको सपोर्ट करे, तो, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत बहुत, लेकिन आप लोगों ने भी शेखर को बहुत प्यार दिया, आर्यन को बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। आप शेखर हेलो दोस्तों बोल के बहुत लड़कियों को पता नहीं क्या कर दिया, सारी लड़कियां कहती हैं। जब शेखर का जब फैमिली व्लॉग होता है तो उसी व्लॉग में हम लोग देख सकते हैं, ऐसे क्योंकि हम लोग फैमिली में पढ़ते हैं, और ऐसे शेखर अपना ही व्लॉग अपना खुद बनाता है फैमिली व्लॉग में। ये बंदा पता है क्या करता है, कहता है हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों कैसे हो आप, कैसे हो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे शेखर फिटनेस रेंज। आई होप आप लोग अच्छे हो गए, ऐसे बोल के आप इसके इंस्टाग्राम चेक करोगे, लड़कियों का मैसेज मुझे नहीं आते जितने, फटाफट फटाफट फटाफट। आप चाहते हैं आपको लड़कियों के मैसेज आए, हम चाहते हैं हमें लड़कियों का मैसेज आए, और हम भी थोड़ा सा स्वैग में रहे कि यार राहुल तो जितना कुआर है लड़का है, प्लीज मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग जानते ही हो, माँ भी डॉट, लेकिन सबको ये भी, लेकिन सबको ये भी पता है वो इंस्टाग्राम हैंडल मैं ही करता हूँ। सुनो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, आज से आप लोग लड़का लोग जितना हो जाके इंस्टाग्राम में हमसे बात कर सकते। तो अब बेसिकली आपको बता दिया सारा चीज़ हमारा जर्नी क्या था क्या नहीं, और आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब। और आज हमारे पास ब्लॉगिंग करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए कुछ हम बता रहे हैं, बस लास्ट हम बताएंगे। तो हम लोग आज शेयर किया आप लोगों के साथ मेरा यूट्यूब जर्नी, और आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर दो, और सोचना नहीं है। तो ये ब्लॉग हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, थोड़ा मुझे कुछ बोलना है, रुक जाओ, ठहरो। अरे शॉर्ट वीडियो बनाना है, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देखना हम लोग का शॉर्ट वीडियो। ओके, तो मैं और लास्ट कहना चाहता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आप लोग भी पैसे कमा सकते हो, यूट्यूब खोलो। ऐड नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब को, यूट्यूब मुझे पैसे नहीं दिए, बट मैं आप लोगों को मैं पैसे कमा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप